सो गाइज ये हमारा न्यू ब्लॉग, हम जा रहे हैं उधमपुर से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार। ये ब्लॉग में आपको मज़ा आने वाला है और हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं स्टेशन के, प्लेटफॉर्म नंबर शायद 3 से है हमारी ट्रेन। तो बस पहुंचते हैं, उसके बाद आगे का हम कुछ करते हैं। इसे भूख लग रही, कुछ खिलाना पड़ेगा। क्या खाओगी? कुछ भी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है शायद, 3 में कर जाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए किधर जाएंगे भैया? प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए इधर से ही है। 1 2 अच्छा 3 ये वाला शायद होगा। चलो हाँ, खाना क्या तुम्हें? अब बताओ, अंदर आ गए अब कुछ मिलेगा नहीं, बताओ। कुछ भी, इसको कुछ भी खिला दो, कुछ भी खाना है तुम। चलो ढूंढते हैं कुछ भी खाने के लिए। ये देखो, इसने फाइनली एक ये ढाबा सा ढूंढ लिया है और यहाँ अकेले खा रही है। ये देखो, अकेले खा रही है लड़की, चोरी चोरी चुपके चुपके राजमा चावल। क्या खा रही हो? राजमा चावल खा रही हो अकेले अकेले? मुझे छोड़ के आ गए तुम उधर, है भूख लग रही थी। हूँ क्या चुप, मुँह कहाँ लेके जा रही हो? चलो कोई बात नहीं, खाओ। कैसा टेस्ट है मुझे भी टेस्ट करा दो बस। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी ऋषिकेश। हम पहले ऋषिकेश ही आ गए। अब ऋषिकेश आने के बाद हम लोग यहाँ से करेंगे, पहले तो हम तपोवन स्विज कैंप जा रहे हैं और उसका कुछ और डिटेल मेरे को बताना था, बट अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा। वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा सारी डिटेल्स उसकी। और सो हम स्विज कैंप पहुँचने वाले हैं। ये स्कूटी हमने लिए रिजनेबल रेट पे और यहीं से हम राफ्टिंग करने वाले हैं। तो आप लोग अगर ऋषिकेश आते हैं तो ये रॉयल एडवेंचर, ये शॉप का नाम है। और ये भैया है, ये भैया हैं जिनकी शॉप है ये, और ये रॉयल एडवेंचर। तो यहाँ पे आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आना और यहाँ से आके आप लोग अपना एडवेंचर कम्प्लीट कर सकते हो। इनके पास सब कुछ है। एंड हाँ भाई, अरे नहीं नहीं सो ये है, अभी मैं चाहता हूँ भैया। और क्या क्या आपके आप लोग, जैसे राफ्टिंग हो गया, राफ्टिंग, कैंपिंग, बाइक रेंट, स्कूटी रेंट और भी जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है सारी करवाते हैं भैया। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया, नंबर दिखा दिया, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। और अभी मैं स्कूटी लेके यहाँ से पहले जा रहा हूँ ऊपर तपोवन कैंप, जो हमारे भैया का कैंप है, महिपाल भैया का। अभी कैंप जाने के बाद वहाँ मैं थोड़ा चेंज करूँगा, उस पर ये भैया टाइमिंग बताएंगे मेरे को कि ये टाइम है आप लोगों का राफ्टिंग का, तो मैं राफ्टिंग के लिए आने वाला हूँ। और इतनी वैसे नहीं करने वाले, तो मैं इतनी से बात करता हूँ, अगर वो कर ले मैं मनाता हूँ, उससे डर रही है वो इतनी बहुत ज़्यादा। इतनी अंदर बैठी हुई मैं ऑफिस देखूँ, इतनी राफ्टिंग करने वाले हो आप क्यों? हाँ एक्चुअली इसके पैर में बहुत, नीज में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए शायद ये नहीं करेगी। और थोड़ी सी हालत भी ख़राब है, देख लो आप रेड रेड यहाँ पे सारा, ये सारा ना पूरा ऐसे पीछे से पूरा जल गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बट अभी क्या कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा सा उसमें हूँ कि अभी क्या करूँ आगे, तो कुछ नहीं कर रहा। अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेके पेट्रोल डलवा के, फिर हम कैंप पे जाएंगे। कैंप पे जाने के बाद बाकी की बात मैं आपको बताऊँगा। तो सी हो गाइस, मैंने अपनी स्कूटी ले ली है और हम चल रहे हैं अपने कैंप की तरफ। चलो इतनी पकड़ो फ़ोन, चलते हैं। हो गया रास्ता ही ऐसा है ना, ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं हम। और यहाँ रास्ता इस तरीके एडवेंचर है,
यहाँ की एंट्री है, ये एंट्री है, ये आप देख सकते हैं चुके हैं। और ये यहाँ का व्यू है सारा। तो स्कूटी अंदर नहीं जाएगी, स्कूटी हमें बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा। चलो हम पूछते हैं, चलो अंदर चलते हैं। स्कूटी तुम उतरो, स्कूटी हमारे। और इतना उबड़ खाबड़ रास्ता था पहाड़ों के बीच में से, तो अभी हम यहाँ स्कूटी खड़ी करने वाले हैं, देन उसके बाद में हम कैंप में एंट्री लेने वाले हैं। तो गाइज बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, अभी हम अंदर चलेंगे। बाकी किसी को आना हो तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें तपोवन। ये देख, यहाँ पर और अभी हम स्विमिंग पूल में नहाने के लिए रेडी हैं। तो आप लोग यहाँ जरूर जाना, उसके बाद राफ्टिंग का मज़े तो आपको लेने ही है, वो आपको करना ही है, अदरवाइज ट्रिप बेकार हो जाएगी। और यहाँ पे बंजी जंपिंग और भी बहुत सारे ट्रैकिंग, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप वो सारी चीज़। और फिलहाल मैं पानी चेक करता हूँ, पानी स्विमिंग पूल में कितना ज़्यादा है और कितना कम है, फोन को देख के जाना पड़ेगा मेरे को। ओ ठंडा पानी, ओ ठंडा है भाई, हाँ नहीं ठंडा है, हाँ फोन आप तुम पकड़ लो। चलो भाई इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप उसमें ऐसे करके तैर सकते हो, छोटे बच्चे को भी ला सकते हो। चलो आ जाओ दी, गिर गई। अरे इतना सा तो है और कुछ नहीं है इसमें। मैं वो अपने पंजे पे खड़ी हूँ, पता है, नीचे हो जाओ तो भी नहीं होगा कुछ, नहीं होगा, इतना ही है। तो ये था, और भी लोग आ रहे हैं इधर उधर से, बट यहाँ का फील कुछ इस प्रकार का है, टुंग 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 करके। मैगी खाएंगे? हाँ मैगी बोल दी, मैंने चाय बोल दी, मैगी और चाय साथ में खाने वाले हैं। और ये देखो चल रही हो, बस रही हो, तैरो तैरो तैरो, और कैसे तैरते हैं? हाँ ये देखो ऐसे तैरती है लड़की, ये देखो ये स्विमिंग पूल में ऐसे नहाती है पाइप से। ऐसे क्यों नहा रही हो? इसे डुबकी मारने में ना बहुत वो लगता है, स्विमिंग पूल में ऐसे नहाते हैं ये लोग, देख लो स्विमिंग पूल जाते हैं ये। अब क्या वीडियो बनाओ तुम्हारे?